मुंबई वर्सेस राजस्थान के 14वें आईपीएल मैच में मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर अपनी बुरी तरह से दुनिया हिलवा ली और अब की बार उनकी दुनिया हिलाने वाला कौन? ट्रेंट बोल और रियान पराग, क्योंकि बॉलिंग के टाइम पे ट्रेंट बोल ने मुंबई वालों के साथ फुटबॉल खेलना चालू कर दिया और बैटिंग के टाइम पे रियान पराग ने इनका पबलू बना दिया। वैसे चचा तुमको कोई हार्दिक के साथ बिहेव करने को कह रहा है? ऐसे ही भाई, कुछ क्राउड ने संजय मांजेकर जी को कहा जब उन्होंने क्राउड को टॉस के टाइम पे हार्दिक के साथ बिहेव करने को बोला। अब भाई मैच था वानखेड़े में और मुंबई के फैंस पहले पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे कि अगर आज हार्दिक कोई हल्की सी हरकत करते तो फैंस लपेट ले उसको, और आप उन्हें बिहेव करने को कह रहे हो। खैर भाई, जियो सिनेमा वालों ने भी हार्दिक के साथ फुल मजे लिए। जितनी बार भी मुंबई के साथ कोई बकलोली हुई तब तब जियो सिनेमा वालों ने ये एड चला दिया, मैच में तो हम धो ही देंगे, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और लो हार्दिक भाई अन्ना से मजे, अब बताओ आखिरी में कौन दुला? खैर मैच में तो संजू बाबा ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और ट्रेंट बोल ने आते के साथ ही रोहित भाई का कान पकड़ लिया। फिर अगली गेंद पर नमन धीर को LBW आउट कर दिया और फिर अपने अगले ओवर में इंपैक्ट प्लेयर ब्राविस को भी कैच आउट करवाकर पूरे वानखेड़े में एकदम सन्नाटा कर दिया। और फिर जब ईशान 16 रनों पर अपना एज लगवा कर गए तब उम्मीद थी कि अगर हार्दिक अगर थोड़े से रन बनाकर मुंबई की इज्जत बचा ले तो मुंबई की जनता के थोड़े से गिले शिके दूर हो जाए, और हुआ भी वही। पावर प्ले के आखिरी ओवर में हार्दिक के 16 रनों ने पहली बार क्राउड के मुंह से हार्दिक निकलवाया। बेचारे हार्दिक और तिलक ने मिलकर रन बनाने की थोड़ी सी जिम्मेदारी भी उठाई, मगर जैसे चैल ने हार्दिक को 34 रनों पर आउट किया क्राउड फिर से ऊ करना चालू हो गई। अबे क्या दोगले लोग हो यार तुम। खैर उसके बाद आवेश खान ने पीयूष अंकल को कैच आउट करवा दिया और फिर यूजी भाई ने सेट हो रखे तिलक को भी चलता कर दिया। इसी तरह से चैल और बर्गर को एक एक विकेट और मिली और बेचारी मुंबई की पलटन को मात्र 125 रनों पर ही धर लिया गया, लेकिन हार्दिक भाई की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। चले जब से तेरा दोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक कर देता हूं, ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब राजस्थान बैटिंग करने उतरी तो मफाका ने दो चौके खाने के बाद पहली ओवर में जायसवाल को चलता कर दिया। उसके बाद मडवाल ने आकर संजू की डंडिया गिराकर और जॉर्ज को कैच आउट करवाकर मुंबई की थोड़ी देर के लिए मैच के अंदर वापसी तो कराई, मगर रियान पराग और अश्विन अन्ना अपना संभल कर बल्ला चलाते रहे। जहां चौका मिला वहां पर चौका लगाते भी रहे, लेकिन फिर से मडवाल ने साझेदारी को आकर तोड़ दिया। मगर भाई रियान पराग ने कल एक बार फिर राजस्थान की जिम्मेवारी संभाल ली, लगातार दो छक्के लगाकर अपने 50 पूरी करी और तीसरी बाउंड्री लगाकर राजस्थान को मैच जिता दिया पूरे 6 विकेटों से।